रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने आकर स्थिति का जायजा लिया और कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी हासिल की। राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार से जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधारने के साथ साथ स्थायी भवन बनाने की भी मांग की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ साथ बीजेपी के साथ खड़ी है। कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने आकर स्थिति का जायजा लिया और कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी हासिल की। राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार से जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधारने के साथ साथ स्थायी भवन बनाने की भी मांग की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ साथ बीजेपी के साथ खड़ी है। देखिए, ये सरकार का ही मसला नहीं है, ये कोई बीजेपी का मसला नहीं है, कांग्रेस का भी मसला है, आम आदमी का मसला है। और ऐसी जब आपदाएं आती हैं तो उनसे निपटने के लिए किसी सरकार का, किसी विशेष पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए हम कांग्रेस पार्टी जो है एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते इसमें सरकार के साथ भी है, समाज के साथ भी है, और जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी आपदा आएगी उससे निपटने के लिए कांग्रेस जो है एकदम समाज के साथ खड़ी है। धन्यवाद सर। राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए पूरी सुविधाएं नहीं है, वही कोरोना का मरीज सामने आने पर उसे टांडा भेजा जाएगा क्योंकि यहां पर केवल आइसोलेशन वार्ड ही बनाए गए हैं। राणा ने सरकार से मांग की है कि कॉलेज के लिए अपना भवन जल्द बनाया जाए ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सके। हॉस्पिटल का जायजा लिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले हैं और आज के इस समय जो एक पैनिक क्रिएट हो गया है और जो कोरोना वायरस का जो पूरे देश में एक पैनिक है और पूरी दुनिया में बड़े पाम जो है पसार रहा है, इसको लेकर हमीरपुर जिला हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज है इसमें अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उस घटना से निपटने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम करके रखे हैं उसके बारे में हमने जायजा लिया है। मुझे लगता है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस हॉस्पिटल में, जबकि ये मेडिकल कॉलेज बन गया है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर अकोमोडेशन नहीं है और जो इंतजाम इन्होंने बताए हैं कि इसमें 4 बेड इन्होंने आइसोलेशन में रखे हैं, एक बाड़ लग से बना के रखा है और वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई पेशेंट आता तो उसको रखा जाएगा जैसे कि हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया है, और उसके बाद जो है इसको कोई पेशेंट आता है उसको टांडा भेजा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला हमीरपुर में पेशेंट्स का, मरीजों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एकोमोडेशन है नहीं, पैसा दिया गया है और 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में एक ईंट भी बिल्डिंग के नाम पर नहीं लगी। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, बिल्डिंगें इसको मेडिकल कॉलेज के लिए इमीडिएट तैयार करनी चाहिए। ये जो सुस्त रवैया है सरकार का और इसको कंस्ट्रक्शन को लेकर, इसे मुझे लगता है कि लोगों का नुकसान होगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोरोना वायरस एक महामारी है और इससे बचाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में वायरस से बचाव के लिए पूरे प्रबंध सरकार को करवाने चाहिए ताकि बचाव हो सके। और जहां तक कोरोना वायरस का प्रश्न है, हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस हिमाचल प्रदेश में और हिंदुस्तान में प्रवेश ही ना करे, परंतु फिर भी ये आपदा होती है और ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये पुष्कर नहीं आती है, तो उसके लिए सरकार जो है वो इंतजाम कर रही है, परंतु मुझे लगता है कि अकोमोडेशन की कमी की वजह से यहाँ पर समस्या है। और मैं इस मौके पर जहाँ हॉस्पिटल में अपने साथियों के साथ और पार्टी के लोगों के साथ आया हूँ, यहाँ इंतजाम है परंतु जितने इंतजाम होने चाहिए अकोमोडेशन की कमी की वजह से उतने इंतजाम नहीं हैं। फिर भी अगर मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को, कि ज़्यादा लोग तादाद में इकट्ठे ना हों, बाहर से कोई आए तो उससे बचाव रखें, उसको चेक करवाएं ताकि ये जो है ये बीमारी फैलने वाली है, बीमारी ना फैले, और एहतियात बरतें और घर से कम निकलें, ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी निकलें, बहुत जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें ज़्यादा इकट्ठे ना हों और प्रिकॉशन जो हैं वो रखें और लोग स्वस्थ रहें। मैं ऐसे ईश्वर से कामना करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में और हमारे देश में वायरस जो है ये ना पहुँचे और लोग जो हैं सजग रहकर इससे। इस अवसर पर नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटेल भी मौजूद रहे।